वेलकम बैक आप देख रहे हैं सियासत मना है हमारे आज मेहमान हैं रिटायर्ड एयर है, मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब सर ब्रेक से पहले मैंने आपके आर्टिकल की जो आखिरी कुछ कलमाते हैं उनके हवाला उनका हवाला दिया था आपने इस एंगल और डायरेक्शन की तरफ आपने कहा कि इमरान ख़ान साहब को थोड़ा कामजन होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल वन की ज़रा कोशिश करें आप यही कुछ कह रहे थे जी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ मैं इसकी वज़ाहत कर दूँ कि मैं कोई गैरनी कदम की ना हमायत करता हूँ और ना ही मेरा उसकी तरफ कोई इशारा है देखें हर काम की प्रोविज़न आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है हम उसको हाईलाइट नहीं कर पाते सही तरीके से एन आर ओ का जो मामला है आ, कब से इसके बारे में आ, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आ चुके हैं मगर आ, किसी न किसी वजह की बिना पर उस पर अमल नहीं हो रहा लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उस पर अमल होना चाहिए आर्टिकल 190 सुप्रीम कोर्ट को इस बात की इजाज़त देता है कि अगर उस पर अमल नहीं हो रहा तो आर्टिकल 190 के थ्रू वो इस पर अमल दरामद कराएं मैं मुख्तफ अदारों की निशानदही कर रहा हूँ और मैंने अपने जो मुख्तु कॉलम्स लिखे हैं उनमें इन सब अदारों को वन बाई वन पॉइंट आउट किया है मैंने एक कॉलम पूरा इस चीज़ को डेडिकेट किया था कराची के जब मामला बिगड़ रहे थे तो मैंने आइन के इन दोनों क्लाज़ को हाई किया था मैंने कहा आर्टिकल वन नाइन जीरो के तहत आपने एक्शन नहीं लिया अब आर्टिकल टू फोर फाइव आपके सामने शामिल है आपके पास है ये दोनों जो हैं वो आइनी इकदाम हैं तो ये क्यों नहीं लिए जा रहे उसका मुझे कोई खातर ख़्वा आज तक ना जवाब आया और ना ही मुझे उनकी रिस्पांस में ऐसी कोई चीज़ नज़र आई आप खुद देख लीजिए कि कराची के मामलों कितने बिगड़े मगर उस दौरान वही रेंजर्स को बार बार वहाँ पर डिप्लॉय किया गया और जो कत्ल वारत होती रही उसमें अगर एक आइनी कदम उठाया जा सकता था तो क्यों नहीं उठाया एन के मामले में इसी तरह एक आइनी क्लॉज है जिसके तहत एन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो फिर इंतज़ार किस बात का है मैंने ये बाकायदा लिखा था कि जुडिशरी कॉम को ये एक्सप्लेन करे कि वाई आर दे ऑन द बैक फुट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफ इट्स डिसीजंस इन द एनआरओ एन आर ओ केस वो क्यों नहीं करवाई गई और आज तक वो पेंडिंग है और सिर्फ यही नहीं है एन आर ओ का किस्सा मैंने जैसे आपको बताया कराची का किस्सा बताया उसके बाद आप देखिए इज़ुल्फ़कार मिर्जा साहब आए और इतना बड़ा अटैक कर गए उसमें उन्होंने बहुत बड़ी साजिश का इंकशाफ किया जो आज मेमो की सूरत में दोबारा उभर आई उसके ऊपर कोई इस तरह की एक्शन नहीं उन्होंने कहा जी मेरे पास वो दो सूट केस लेके लंडन तो चले गए वो अपने सारे के सारे एविडेंस देने यहाँ उनका एविडेंस क्यों नहीं मांगा गया क्या ये छोटा इल्ज़ाम था मेरे नज़दीक ही एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया यानी मैं उन मामला की, की निशानदही कर रहा हूँ जो जो आपके सामने मौजूद हैं जिसके ऊपर बाकायदा एक आइनी जो है वो एक्शन लिया जा सकता है मगर वो एक्शन नहीं लिया गया ये तीन वाक्यात हो गए फिर आप ये दीजिए देखिए कि सेकेंड मई का जो किस्सा हुआ उसके बाद कमीशन उसके बाद रेजोल्यूशन उनके साथ क्या हुआ यानी उसमें एक और अदारा आपका पार्लियामेंट शामिल हो गया पहले मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ फिर ये पार्लियामेंट शामिल हो गया उसके बाद लेटेस्ट अब जो है वो मेमो का किस्सा है यानी ये चार पांच ऐसे किस्से हैं कि जिनके ऊपर मुख्तलफ़ इदारों ने जो एक्शन लेने थे और उन एक्शन के तहत आगे चलना था कोई एक्शन नहीं हुआ तो आप कैसे समझते हैं कि मुल्क जो है वो बैठे बैठाए चेंज हो जाएगा जब तक ये इदारे जो कि अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं और जिनका एक नाम है इस मुल्क के अंदर अपनी अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक काम नहीं करेंगे हम आगे कैसे चलेंगे सही शायद साहब तो आप ये मेमो के हवाले से ज़रा अगर इस पर वापस आएँ आप समझते हैं कि ये आ, आप आपका एंगल इस पर क्या है हुसैन अकानी साहब ने अगर ये मुबैना मेमो लिखा है तो आप क्या एंगल समझते हैं बड़ा बड़ा क्लियर है जी मैं इसके बारे में दो तीन जगह पे प्रोग्राम कर चुका हूँ और मैं बिल्कुल इसमें कोई किसी किस्म की का इबाम नहीं समझता ये एक ऐसी चीज़ है इसमें खाम खा हमें उलझाया चला जा रहा है उलझाया जा उझाया जा रहा है बात यह है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो 10 अक्टूबर को यानी आज से तकरीबन चालीस दिन पहले सामने उभर के आई जब फाइनेंशियल टाइम में जो स्टोरी आई और ये इतना बड़ा इल्ज़ाम था कि इसके ऊपर फौरी तौर पर इंसान हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक रिएक्शन आएगा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया और महीना प्लस इसके ऊपर हम बैठे रहे एक छोटा सा बयान स्टेटमेंट आ गई और कहा गया नहीं जी हम इसकी तरदीद करते हैं उसकी कैसे तरदीद होती क्योंकि एक्चुअल वो एक किस्सा ऐसा था जो कि जो कि था अब आप ये देखिए कि अब जब वन बाई वन सारे प्लेयर्स जो इसमें इन्वाल्ड हैं वो सामने आ गए और कितने हाई लेवल के लोग जो हैं उन्होंने आके इसकी कंफर्मेशन दे दी यानी माइक मल्ल ने कहा उससे सर, पहले उनमें उन से किसी ने सदा कलामी कि हमारे पास टाइम भी कम है उन्होंने ये किसी ने नहीं कहा कि हुसैन अकानी ने हमें भेजा है उन सब ने इस बात की तस्दीक कर दी कि मैम थी मंसूर इजाज ने पहुँचाई थी हुसैन खानी साहब इस बात को डिनाई करते हैं कि मैंने लिखवाई तो आप उसके अलावा भी आप समझते हैं कि सबूत बहुत है नहीं देखिए जी मैं ये नहीं कह रहा सबूत बहुत है मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ सामने आई है उसके अंदर बहुत जिम्मेदार लोग शामिल हैं कम से कम तीन लोग उनमें से शामिल हैं जिन्होंने कहा मैसेंजर जो हैं जनरल जेम्स वो भी सामने आ गए अब वो क्या कह रहे हैं कि वो कहाँ से लेके आए वो उनके हाथ में कहाँ से आ गया वो कह रहे हैं कि तो उनके पास अब... मंसूर एजाज ने भेजी है हाँ तो मंसूर एजाज ने भेजी है मंसूर एजाज के पास कहाँ से आया इसके लिए आपको फ़ौरी तौर पे एक इंक्वायरी करना होगी अब तक जो अच्छा फिर ये देखिए कि जो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके तहत आपके जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया अगर इसमें कुछ भी नहीं था तो फिर इस्तीफा किस बात का इस्तीफा पे ही किया ना सर उन्होंने उनका इस्तीफा तो अच्छा समझा कि पे ने... देखें प्लीज नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं शक की बुनियाद पे इस्तीफे नहीं दिए जाते कोई किसी से इस्तीफा नहीं ले सकता ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है और ये सारी उम्र के लिए एक धब्बा है क्या आप अपने नाम ये धब्बा लेना चाहेंगे अगर आप क्लियर हैं आप कहिए कि मैं इस्तीफा हरगिज नहीं देता आप फौरी तौर पे एक कमीशन बनाइए फौरी तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए हाँ इसके रिजल्ट में अगर ये कंफर्म हो जाए कि मैंने सब कुछ किया है तो इस्तीफा भी मैं दूंगा और इसके अंदर और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं मैं ये समझता हूँ शायद पाकिस्तान में रिवायत इतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन जब आपके ऊपर तोहमत लगती है तो उसकी प्रूफ देने से पहले ही आप इस्तीफा दे देते हैं ताकि मुल्क का नाम जो है वो मिट्टी के अंदर से रगड़ा ना जाए कीचड़ उसके ऊपर इसमें भी थोड़ी ये एक ऑनरेबल रेजिग्नेशन समझी जा रही है ऑल बाईल इसमें भी इसमें भी इसमें भी एक थोड़ी सी प्लीज़ आई विल लाइक टू यू नो ब्रिंग आउट अ स्मॉल पॉइंट इसमें ऐसे है कि या मैं समझता हूँ कि आप बाहर के मुल्कों की मिसालें दे रहे हैं वहाँ अखलाकियात का ये तकाजा है और ये एक ट्रडिशन भी है और अच्छी ट्रडिशन है मगर मैं आपको ये बता दूँ कि कोई ऐसा केस मुझे बता दीजिए कि किसी ने उसके नाम पर इल्ज़ाम लगने के बाद इस्तीफ़ा दिया इस्तीफ़ा दिया हो और बाद में वह गलत साबित हुआ यह नोन होता है वैन यू टेक अ स्टार्ट यह नोन होता है एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिसके

की आपने एनालिसिस किया है आप इमरान खान साहब का कह रहे हैं, नहीं होते तो आप क्या समझते हैं? आ, देखें जी कामयाब अगर नहीं होते अभी से लेकर इलेक्शन तक बड़ा बड़ा वक्त है मैंने जैसे कहा कि फौरी तौर पे इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है सिस्टम को रिवैंप करना है सिस्टम को बहुत सारा करेक्ट करना है एक तो यह कि अब से लेके तब तक इमरान खान साहब कैसे प्रोसीड करते हैं एक मिसाल तो मैंने आपको दे दी कि फौरी तौर पे वो एक वेल थॉट आउट प्लान नहीं था उन्होंने जो उस दिन अपनी एक्शंस अनाउंस की पर्टिकुलरली ये वाली एक्शन मैं ये समझता हूँ ये एक जुम्मेदारी वाली फील के लोग सबको तजर्बा कर चुके हैं और उन सब के साथ लोग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है से, यह एक नई शख्सियत और एक नई फोर्स कर सामने आई है लोगों की तहत इन तो आग इनको आगे चलना पड़ेगा नंबर वन एजेंडा इनका यह है कि इसकूमत को फारिग किया जाए नंबर टू इसमें इनको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा सब पार्टी इंटेगनाइज करनी लेकर मरहले में अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाए उसमें एक दूसरे के साथ लड़ें जो मर्जी करें वो वो, वो एक अलहदा मरहला शारी है शारी इस मरहले में ये तरीके से इनको चलना पड़ेगा। सही शायद लतीफ़ साहब रिटायर्ड एयर मार्शल थैंक यू वेरी मच सर बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना टाइम दिया जिसलिए तो आप देख रहे थे सियासत मनाए फेसबुक डॉट से सियासत पर जाकर आप हमारे सारे शोज देख सकते हैं कमेंट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग